why he's manifesting now. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर सिर्फ दी व्लॉग्स। होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी रमज़ान जो है ना वो अच्छे से गुजर रही है। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है मंडे और कल फिर जो है ना वो फ्राइडे, ट्यूसडे, फिर वेनसडे और वेनसडे के दिन है ईद। तो आज अभी मैं, हुज़ैर, ज़ुल्किफ़ल, उज़ार, हम सब जा रहे हैं बाल कटवाने। तो हेयर कटवाते थे, आप मेरे हेयर देख सकते हैं बड़े ख़राब हो गए, तो हेयर कट कराते हैं और आपको दिखाता हूँ कौन सा हेयर कट करेंगे। तो जी पहुंच गए हम बारबर शॉप। हुज़ैर भी है, ज़ुल्किफ़ल भी साथ में है और अबू ज़र अंदर अंदर जाते हैं। तो अभी आते हैं बाल कट। ओ तो जी ये है बिफोर, देख सकते हैं, एंड देन वी गोना शो यू द आफ्टर आफ्टर हेयर कट। जी ये है भाई हेयर स्टाइल, जो हेयर कट हेयर स्टाइल जो भी आप है। ये जी हो गया है हमारे हेयर कट से इनके देखे। ये उज़ैर, तुम अपने दिखाओ, उज़ैरा हो गया ना देखा। तो ये जी मेरा वाला है, तो आप लोग बताए किसका सबसे बेस्ट है। हेयर कट हो गया, ये फ्रेश में हो गया, साथ में मैंने शॉवर ले लिया और क्लोथ चेंज कर दिए। और अभी जो है ना ये है उज़ैर की साइकिल और इस पर जाना है हमने पार्क, क्योंकि लुकमान भी आ गया और हमने खेलना क्रिकेट। तो आज जो है ना मंडे का दिन है और कल स्कूल है, उसके बाद फिर ईद है, तो वो खेल रहे नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, क्रिकेट खेलेंगे, उनसे थोड़ी गपशप लगाएंगे और उसके बाद फिर वापस घर आएंगे। तो ये जी रुकमान साहब घर जाते हुए जो ना हमने कहा कि भाई अब फिर हमारे साथ करो, लेकिन नहीं रुक रहे। तो अब क्या करें, जा रहे जानो यार, रुक जाते सारी कर लेते खैर तुम्हें सफर। ये लुकमान साहब चलो नौ जाना, चले यार ठीक है जी। अब लुकमान साहब थोड़ी गाड़ी में बैठ के बातें कर दो, उसके बाद लुकमान साहब जाएंगे घर। चलिए तो जान ये बताओ क्या हाल है यार, मतलब ईद का कोई प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं? ईद का प्रिपरेशन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, खाली खाली। अरे ये देखो यार कुछ नहीं किया हमने, तो बस हेयर कट करवा दिया, बात खत्म, सही है ना? हेयर कट करेंगे। तो जी अब मैं पहुंच गया घर, लुकमान भी चले गए घर, और ये मैंने मतलब कुछ पैसे निकाले थे, तो ये ईदी के पैसे हैं, तो ये मैंने अपनी बहनों भाइयों को देने हैं, तो वो आज देंगे, तो सबको मिल जाएंगे। तो उसके बाद फिर अगर रात को चांद रात भी है, अगर उधर उन लोगों ने कोई शॉपिंग करनी है तो भी कर लेंगे। चलिए देखते हैं, अगर मैं चांद रात के लिए गया वहाँ पर ब्लॉग बनाऊंगा, अगर नहीं ब्लॉग बनाया तो फिर मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूँगा। सेकेंड डे ऑफ ब्लॉग, आज है चांद रात तो, और ये कोई 9:30 बज रहे, तो फैमिली तो सारी चली गई है चांद रात बाज़ार पे, मतलब ईद बाज़ार पे जो होते हैं। और बाकी अब मेरा दोस्त लुकमान आ गए, तो ये आ गए, तो अभी इसके साथ थोड़ा सा बाहर घूमते। और ये जी अभी हम आ गए हैं अपने पिज़्ज़ा स्टोर पे, अब पिज़्ज़ा हम यहाँ पे खाएंगे, तो मैंने पे कर दिया ये, और हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा खाएंगे भाई, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं खाऊंगा। ये हमारा बॉस है, मैनेजर, मैनेजर से हाय, माई यूट्यूब चैनल। Oh shit, I will be famous. Yeah. Yeah, our manager is Mr. Marvin from Filipino. Filipino, right? Yeah, Filipino. मैंने पिज़्ज़ा बना दिया और जब जाते हैं हमारे एक और दोस्त भी है जसकरण, तो उसे शायद हम पे कर ले। ओके ना यहाँ पे पे जाना हल्दी गुगर करना हम बुला देगा, तो यहाँ पे हमने पे कर दिया है और सामने वाले से जो है ना हमने उठा लेना है, फिर पिकअप कर देना। तो ये हमारा जस भाई है ना, जसकरण भाई, से हाय। हेलो भाई, हेलो भाई। चल बढ़िया बढ़िया यार, तो अभी हम आगे जस जस भाई के लिए हम वो लेकर आए, आइसक्रीम लेकर आए जस भाई, आइसक्रीम, आइसक्रीम खाना है, जाओ लड़ा वाला, आज में हम आइसक्रीम खिलाएंगे सर्दी में जालिम। देखो सुबह रात के मतलब 10 बजे, हाँ 10 बजे जो है ना हम आइसक्रीम खा रहे भैया। देखो लुकमान साहब पिज़्ज़ा खाएंगे सिर्फ, घूमकर वापस आ गए है और तूफान भी गया घर अपने। तो ये थी हमारी चांद रात, जिस तरह गुजारते लोग, ना भी आप कोई पटाखे होते ना कोई और चीज़ होते, बस यही होता, ये भी नहीं होता। मैं फर्स्ट टाइम मतलब इस दोस्तों के साथ मना रहा हूँ और देखते हैं क्या हाल चाल है। जरूर
ईद मुबारक एवरीवन, आप सबके नमाज़ तरावी दुआएं सब कुछ कबूल मंजूर हो। इसको देखो, ये पकड़ा गया। लोग ईद मनाते हैं, जाते घूमते फिरते, सही है ना। हम क्या करते हैं कि भाई हम जाके जो ना सिर्फ दूध लेकर आते हैं,